चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइस आपने तो देखा था कि हम जल्दी जल्दी चल कर आए थे अभी और कुछ नया करने के लिए। तो गाइस ऐसा क्या चीज थी जो मैं जल्दी से ही जंगल में आ गया कुछ करने के लिए। गाइस तो मेरे पास एक वीडियो का स्क्रिप्ट है बढ़िया सी, जो गाइस हम नॉर्मली पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होगी 9th 7th 8th, यानी कि 8th से गाइस चालू रहती है। तो गाइस वो है एक मुहावरा, अध जल गगरी छलकत जाए। तो गाइस यही मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि आधी गगरी जो होती है वो छलकती है नहीं छलकती है, ऐसा क्या होता है। क्योंकि इसका मीन होता है कि आधा ज्ञान जो होता है गाइस वो ज़्यादातर दिखावा करता है अपने आप में, पर जो संपूर्ण रूप से अपने आप में परिपूर्ण होता है ज्ञान से, वो इंसान जो चुप रहता है। तो गाइस इसी के ऊपर ये मुहावरा बनाया गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए। तो गाइस मैं यही करने वाला हूँ, आज चेक करते हैं। आइए गाइस, तो मेरे पास है एक ये मटकी, गाइस ज़्यादा बड़ी तो नहीं मिली, फिलहाल छोटी मोटी जो मिल गई काम चलाऊ, और पड़ोसी की छत पर रखी थी उठा कर ले आया, और देखते हैं गाइस कि काम करता नहीं करता। मैं इसमें पानी भर के लेकर आता हूँ, पहले सवाल टाइप में इसे मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि अंदर का जो निचला हिस्सा है नदी में से पानी में से निकाल वो नदी में से पानी निकाल सकूँ। गाइस आप देख सकते हो कि ये मेरे पास पूरी भर गई है, पर मैं इसे अभी आधी करूँगा। और गाइस ऐसा नहीं है कि आधी भर के ही चलेंगे तो भीड़ बन जाएगी, नहीं गाइस मैं फिर इसे पूरी भरूंगा और ये चेक करेंगे कि पूरी मटकी जो है इसमें से पानी निकलता नहीं निकलता है। तो गाइस इसे थोड़ा सा अभी हम, क्योंकि ये सूखी थी, इसमें थोड़ा सा पानी भर जाएगा तो इससे पानी जो है ज़्यादा कम नहीं होगा। थोड़ी देर ऐसे ही रन देते हैं इसे भी। तो गाइस मुझे लगता है कि कंप्लीट इसमें हो चुका है, और गाइस ये हो चुकी है आधी। देखो पानी हो गया आधा इसमें, मतलब इतना हाथ भी जाने पर ये पानी टच नहीं हो रहा मेरे, कम से कम आधी तक है। और गाइस आइए आज मैं आपको टोकरी का पानी दिखाता हूँ नया तरीके से। गाइस लड़की बनने का मेरा मन तो नहीं है, पर क्या करें, आपकी वजह से करना पड़ रहा है। देख लो एक बार पोज कैसा होगा मेरा। ओ गाइस लग तो रहा है छलक जाएगी, क्यों, क्योंकि अभी पानी हिल रहा है सिर पर रखने पर, देखता हूँ। तो गाइस मैं करता हूँ स्टार्ट। सिर पर रखनी जरूरी है क्या? चलो गाइस वैसा सिर पे यूज करी जाती है तो सिर पे ही रखते हैं। पानी टपक रहा है इसमें एक्स्ट्रा, अभी छलक गई गाइस, छलका देखा था मैंने, और देखता हूँ छलकती है नहीं। तो गाइस ये छलक रही है गाइस, ये देखो ज़्यादा ठंडा पानी हो रहा है इसमें। ओ गाइस ये नदी का पानी है, आप सोच सकते हो कि नदी का पानी जो होता है लगातार चलता रहता है और काफ़ी टाइम तक इसका इतना वेपोरेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी धूप नहीं निकल रही है तो बहुत ही कम वेपोरेट हो रहा है इस समय, ये ठंडा बहुत है पानी। और तो गाइस ये था हमारा, यानी कि मुहावरा बेकार नहीं था गाइस बिल्कुल भी। तो गाइस अभी तो छलक गया पानी, पर थोड़ा सा और देखते हैं ट्राई करके। गाइस गगरी तो छोटी दिखाई दे रही होगी आपको, पर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ चलने की कोशिश करता हूँ। चलो कैमरा मैन इधर को आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इधर चलूँगा। ओह गाइस ये जो ना हमारा प्रोफेशन क्या करें, करना पड़ता है सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। और चलूँ आओ इधर को चलते रहना साथ साथ। गाइस साहब छलक गया, इतना ज़्यादा छलक रहा है, बहुत ज़्यादा प्रूफ है गाइस, बिल्कुल सही है जो किताबों में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सारा ख़राब हो गया गाइस। कुछ लोग कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ ज्ञान फालतू है, ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं उस चीज़ को। क्योंकि मुहावरा था गाइस, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं इसे प्रैक्टिकली यूज करके देखूं। गाइस रियली वर्क करता है ये वास्तव में। और मैं ये और चेक करता हूं कि पूरी गगरी भरने के बाद छलकता है नहीं छलकता, ये चेक और करते भी। तो आओ भर के देखते हैं पूरी गगरी, और फिर सिर पर रखते हैं और फिर चलते हैं वही अपना पुराना पोज
और जो पुराने ज़माने में 1947 में दशक में जो गाइस मटके पानी लेकर आती थी लेडीज़ हैं या जो भी व्यक्ति थे, तो वही पोजीशन हमारी पुरानी हो रही है। आपको गाइस थोड़ा सा इसमें ब्लैक एंड वाइट में भी देखने को मिलेगा कुछ नया। तो गाइस मैं इसे फुल भर लेता हूँ, ये गाइस काई जो है कुछ ज़्यादा जम चुकी है। ये भर चुकी है गाइस पूरी कंप्लीट। आ जाओ इधर ही चलेंगे ऊपर। ओह ये तो हाथ में छलक रही है और इतनी नहीं छलक रही जितना सोचा था मैंने। गाइस ये मुझे लगता है थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए इसमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस क्योंकि इसकी लेयर पे हम ढक्कन भी ढकते हैं तो कुछ इससे पानी ऊपरी वाली हिस्से में टच नहीं हो। तो फाइनली गाइस मैं इसे अब सिर पर रखने वाला हूँ और देखता हूँ गाइस ये काम करती है नहीं करती है, अधूरा ज्ञान ही ऐसा है या कंप्लीट ज्ञान भी काम करता है। तो करते हैं गाइस हम इसे चेक। ओहो अरे यार नीचे ही पानी आना ज़रूरी था क्या? तो गाइस फाइनली मैंने ये अपने सिर पर रख ली है और कंप्लीट भरी हुई है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं हो कि ये कंप्लीट नहीं है भरी भाई। और मैं चेक करता हूँ कि ये छलकता है नहीं छलकता है। आ जाओ कैमरा मैन। फाइनली गाइस ये काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं छलक रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ नहीं चल रहा हूँ, तो काफ़ी तेज़ है क्योंकि मैं उसमें तो नॉर्मल चला था पर इसमें तो फिर भी मैं इतना चल रहा हूँ। देखो गाइस उल्टा भी चल रहा है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत गाइस हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथ हिल रहे हैं गाइस ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सिर पे ऐसा नॉर्मल रख लूँ तो हिले, क्योंकि उसमें हल्की थी जो हमारी मटकी थी गाइस वो हल्की थी उस समय, तो हाथ पे इतना फोर्स नहीं जा रहा था। पर इस समय हाथ पे फोर्स ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ये पूरा मुझे बैलेंस करनी पड़ी सही करके, इसकी वजह से गाइस ये हो रहा है। तो फाइनली गाइस हमारा मुहावरा वर्क करता है और रियल में वर्क करता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा अजीब यानी कि एब्सर्ड टाइप का कुछ भी मिले तो गाइस कमेंट ज़रूर कर दें, उसे हम कम्प्लीटली कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाई जाए। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को यार अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।